जब से 125 सीसी की जो BS6 बाइक्स आई है ना, तब से उन सभी बाइक का कंपैरिजन डायरेक्टली 150 या तो फिर 160 सीसी की बाइक्स के साथ होने लग गया है। क्योंकि जैसे आप देखने जाते हो ना, 125 सीसी में ज्यादातर जो मेजरली 5 बाइक इंडिया में अवेलेबल है, उनको अगर आप किसी भी 150 या तो फिर 160 सीसी की बाइक के साथ रख देते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बाइक भी आपको सेम उसी टाइप का लुक और उसी बाइक से मिलते जुलते फीचर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जो 125 सीसी बाइक आती है और 150 या तो फिर 160 सीसी की बाइक आती है, उनकी प्राइस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा की SP125 को उसी कंपनी के दूसरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी कि हीरो एक्सट्रीम 160R के साथ। अब आप देख लीजिए, एक्सट्रीम और जो SP125 है, दोनों ही एक कॉम्पिटिटर कंपनी की तरफ से आती है, तो ये टक्कर तगड़ी रहने वाली है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक परचेस करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, मैं आपको इन बाइक की डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरव्यू यानी कि इन दोनों ही बाइक के लुक प्रिपोजिशन के बारे में। तो अगर आप इन दोनों ही बाइक को फर्स्ट लुक में देखने जाते हो ना, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आप एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो जो कि आपको मॉडर्न लुक के साथ साथ एक सिंप्लिसिटी भी प्रोवाइड करवा के दे, देन वहां पे SP आपके लिए काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन रह जाती है। और जो हीरो की एक्सट्रीम है वो कम्प्लीटली एक स्पोर्ट नेक्ड बाइक है, इसीलिए वो कम्प्लीटली आपके लिए स्पोर्टी वेरिएंट लेके आ जाती है। अब लुक एक सब्जेक्टिव मैटर है, आप सही लाइफ में जाके देख लीजिए रियल लाइफ में कि आपको सही में सामने से देखने के बाद कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लगती है इन दोनों में से। और भाई, इस कंपैरिजन में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर आउट कर दूं कि जो SP125 है उसका जो टॉप एंड डिस्क ब्रेक, फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट आता है विदाउट ABS, वो आपको तकरीबन एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 82,000 के आसपास मिल जाता है। और जो एक्सट्रीम का फ्रंट डिस्क ब्रेक विद ABS वाला वेरिएंट आता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है लोवेस्ट वाला, वो आपको एक शोरूम दिल्ली के अकॉर्डिंग 1,02,000 के आसपास मिल जाता है। ये एक शोरूम प्राइस थी, इसमें आप और 10,000 जोड़ के चलिएगा, उतने में आपको ये दोनों ही बाइक ऑन रोड मिल जाने वाली है। आपको मैंने प्राइस सबसे पहले इसलिए बता दी क्योंकि कहीं सारे लोगों का प्राइस जो बजट है ना वो ज्यादातर मैटर करता है। तो आप देख लीजिए जो भी बाइक आपके बजट में एक्सट्रैक्ट होती है, अगर ये दोनों ही बाइक आपके बजट में आती है तो आपके लिए वीडियो एंड तक देखना कंपलसरी सा हो जाता है। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक बाइक ही आपके बजट को शूट करती है, ज्यादा तौर के वो एक बाइक मेरे ख्याल से SP125 रहने वाली है, तो भी आपके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी हो जाता है। और जो सेकंड टॉपिक आ जाता है आफ्टर द लुक्स, वो आ जाता है बाइक की जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है या तो फिर उस बाइक में आपको इलेक्ट्रॉनिकली कौन कौन से फीचर्स इन दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SP125 की, तो भाई वहां पे आपको एक इंजन किल स्विच मिल जाता है, साथ ही साथ उसी के साथ इंक्लूडेड आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच भी मिल जाता है। फ्रंट में एक फुल्ली रोबोटिक डिजाइन बेस आपको एक हेडलैम्प भी देखने को मिल जाता है। टेल लैम्प सेक्शन में कोई भी LED लाइट नहीं है और साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर्स भी आपको नॉर्मल से ही देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ उस बाइक का जो इंजन है वो आपको SI+ ECG टेक्नोलॉजी बेस्ड देखने को मिल जाता है, जो कि उस बाइक को एक साइलेंट स्टार्ट प्रोवाइड करवाता है। और अगर आप उसे हायर स्पीड पे भी लेके जाते हो तब भी उस बाइक का इंजन नोट उसे कम से कम रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल ये टेक्नोलॉजी होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद एक्सट्रीम के ऊपर, तो भाई एक्सट्रीम में आपको पता ही है सभी जो पूरा लाइटिंग सेटअप है वो आपको LED लाइट में देखने को मिल जाता है, यानी कि फ्रंट लाइट, टेल लैंप, इवन जो इंडिकेटर्स है वो आपको सभी के आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद इन दोनों ही बाइक के इंजन स्पेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम है वो आपके लिए 160 सीसी का इंजन लेके आ जाते हैं, जबकि SP125 आपके लिए 125 सीसी का इंजन लेके आ जाती है, जो कि 160 वाले इंजन के मुकाबले नो डाउट काफी छोटा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक 125 सीसी की बाइक है और एक है 160 सीसी की, यानी कि इंजन जो है उसकी कैपेसिटी वाइज भी एक्सट्रीम नो डाउट SP के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है।
इनफैक्ट आई सजेस्ट यू कि अगर आप एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जहां पे आपको पावर मिल जाए, और अगर आप इस वीडियो में इसीलिए आए हैं कि आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से मोस्ट पावरफुल बाइक और मोस्ट स्टाइलिश बाइक, इन दोनों में से पावर और स्टाइल के मामले में एसपी और एक्सट्रीम में से कौन सी बेस्ट है, तो वहां पे तो मेरा सीधा सा कंक्लूजन है कि एक्सट्रीम इज द बेटर देन एसपी, फार बेटर, नॉट बेटर बट फार बेटर। और अगर आप इस वीडियो में इसलिए आए कि आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कि आपको स्टाइल के साथ साथ लुक्स भी अच्छे प्रोवाइड करवा दे, साथ ही साथ आपको माइलेज भी अच्छी मिल जाए, और साथ ही साथ एक अंडर 90,000 मिल जाए, और उसी के साथ अंडर 90,000 आपको एक डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट भी प्रोवाइड करवा के दे, देन आपके लिए वहां पे एसपी 125 भी बेहतरीन ऑप्शन हो जाती है। अगर हम आगे देखने जाते हैं तो भाई एसपी 125 और स्पेसिफिकली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो कि 90,000 से अंदर अंदर एक ऐसी बाइक चाहते हैं जहां पे आपको स्टाइलिश बाइक भी मिल जाए, एक शानदार सी फीचर लिस्ट भी मिल जाए, इवन एक शानदार सा बॉडी लुक मिल जाए, रोड प्रेजेंस अच्छी गेन करके दे, ड्राइविंग में भी मजा आए, और अगर आप कभी कभार लॉन्ग टूर पे भी लेके जाते हो 125cc की ऐसी बाइक जिसे आप अगर स्ट्रीट 70-80 किलोमीटर भी राइड करते हो ना, तो भी वो राइडिंग आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहने वाली है। और अगर हम इंजन वाइज देखने जाए तो SP 125 का जो 125cc का इंजन है वो आपको 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, SI टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि हर एक तरीके के रोड पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, और इवन उस बाइक को आराम से आप 80 तक लेके चले जा सकते हो क्योंकि वहां पे आपको 5-speed गियरबॉक्स अवेलेबल करवा दिया जाता है। आपकी बाइक अगर 80 तक चली जाती है फिर भी नो वाइब्रेशंस पे वर्क करता है, और पर्सनली एक्सपीरियंस एसपी के साथ काफी अच्छा रहा है कि उस बाइक में इवन 80 से क्रॉस आउट होने के बाद भी आपको बेहद ही हैंडल और सीट जो है वहां पे वाइब्रेशंस महसूस होने वाले हैं कम। और अगर हम एक्सट्रीम की ही बात करें तो भाई वहां पे 160cc का इंजन है, इसीलिए नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस नो डाउट 101% एसपी 125 के मुकाबले बेहतरीन ही रहने वाली है। उस बाइक को आप आसानी से 100-110 तक लेके जा सकते हो, उस टाइम पे भी वहां पे उस बाइक में बहुत ही कम वाइब्रेशंस आपको मिलने वाले हैं। बट आई कंप्लेंट टू, मुझे एक इश्यू लगता है हीरो एक्सट्रीम में, जो है कि होंडा की जो यूनिकॉर्न पहले वाला जो स्पोर्ट्स वेरिएंट आता था उस बाइक को मैंने काफी लंबे टाइम तक चलाया था, उसके बाद जब मैं एक्सट्रीम पे शिफ्ट होता हूँ, यानी कि जब मैं एक्सट्रीम की टेस्ट राइड लेने गया था और उसके बाद भी 2-3 बार चलाया मैंने उसे, तो भाई वो मुझे कहीं ना कहीं जो होंडा की यूनिकॉर्न आती थी जो स्पोर्ट्स वेरिएंट जिसका रिव्यू भी सून आपको देखने को मिलने वाला है पुराने मॉडल का, वो काफी ज्यादा बेहतरीन थी पावर एंड पिकअप के मामले में इन कंपेयर टू हीरो एक्सट्रीम। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों ही बाइक को बात कर और अगर हम यहाँ पे एसपी और एक्सट्रीम की कंप्लीटली ही बात कर ले तो सीधे तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जहां पे आपको जो बाइक है वो 90,000 से अंदर मिल जाए, प्लस साथ ही साथ वहां पे आपको एक एडवांस फीचर लिस्ट मिल जाए, साथ ही साथ वो बाइक आपको अच्छी खासी इंजन पावर के साथ साथ तकरीबन नियर टू 55 या 60 के आसपास की माइलेज भी प्रोवाइड करवा दे, इजी टू राइड रहे, और स्पेशली सिटी राइडिंग के लिए अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो भाई साहब आपके लिए एसपी 125 बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है। और अगर आप एक ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आपको एक अच्छी पावर, अच्छी पिकअप, फुल्ली पूरी की पूरी एक एडवांस फीचर लिस्ट प्रोवाइड करवा के दे, साथ ही साथ एक एग्रेसिव लुक भी अगर आप चाहते हैं, और आपको सिटी के साथ साथ कभी कभार हाईवे पे भी राइडिंग करनी पड़ती है, यानी कि आप राइडिंग के शौकीन हो और आपको स्पेशली राइडिंग के लिए ही परचेस करनी है कोई बाइक, और वो भी तकरीबन 1,25,000 के अंदर अंदर, देन वहां पे जो हीरो एक्सट्रीम है उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है वो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। दोनों ही बाइक एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है, आपको क्या करना है ना भाई, पर्सनल सजेशन की शोरूम पे जाइए, दोनों की एक बार टेस्ट राइड ले लीजिए, आप ही कंफर्म, आपके मन में ही कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी बाइक इज द बेस्ट फॉर यू। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आए, तो फॉर मोर डेवेंटेस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड भाई साहब डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस अपडेट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।